रामानुजन को इंसानों से ज्यादा गणित से प्यार था। वे 3 घंटे का मैथ्स का पेपर मैथ्स 30 मिनट में खत्म कर देते थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वे फेल हो जाते थे। एक बार बायोलॉजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। रामानुजन ने लिखा, सर दिस इज माई अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन चैप्टर। रामानुजन अपनी स्लेट पर घंटों तक मैथ्स के फॉर्मूले लिखते रहते थे और फिर सो जाते थे। सुबह उठते ही उन्हें अपने दिमाग में इक्वेशंस तैयार मिलती थी। वे कहते थे कि ये सब देवी मुझे बताती हैं। रामानुजन ने 1913 में जीएच हार्डी को अपने रिसर्च पेपर भेजे, जिसमें उन्होंने 120 इक्वेशंस भेजी थीं। हार्डी इन इक्वेशंस को देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी इक्वेशंस कभी नहीं देखी थी। सब मान गए थे कि रामानुजन कोई आम इंसान नहीं है, वह एक जीनियस है। इसीलिए उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप दी गई। उनकी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पाई इक्वेशन को स्ट्रिंग थ्योरी और कैश्मीर इफेक्ट में भी यूज किया गया है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में 3900 फॉर्मूले डिस्कवर किए थे। उनके फॉर्मूले का सॉल्यूशन आज भी साइंटिस्ट खोज रहे हैं।